जो कहा था वही हो रहा है ना। मैंने आपको एक वीडियो अभी पहले कुछ दिन की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एनटीपीसी के लेवल 4 और लेवल 6 में स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए CBET का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो जुलाई महीने के अंत तक हो जाएगा। तो जो बच्चे, जिन विद्यार्थियों ने लेवल 4 और लेवल 6 का CBET 2 क्वालिफाई किया है, वो साइको टेस्ट देंगे। आरआरबी के अनुसार सभी ढंग से सभी मीटिंग्स के बाद जो एक डेट निकल कर आ रही है, जो एक मंथ डेट निकल कर आ रही है, वो ये बताया जा रहा है कि जुलाई महीने तक में ये CABT यानी कि साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट कराने की पूरी संभावना है। तो जहां तक बात रही कि मैंने ये बात कही थी, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैं ऐसे भी कोई बात नहीं कहता हूं जब तक मैं उस पर बहुत अच्छे से प्रमाणिक ढंग से अपना अध्ययन नहीं कर लेता हूं। लोगों ने तमाम कमेंट किए कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये वीडियो तुम डाल के रखना, देखेंगे जब आएगा तो आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, वीडियो तो मेरे बस में है नहीं कि डिलीट करा दूं मैं, है ना। तो देखिए वही होने लगा है और मैं आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता हूं। वैसे भी मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, आप लोगों को सभी को पता हो गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो देख लो भाई, अभी मैं आपको ये चीज दिखा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना और देख लेना। देखो आरआरबी एनटीपीसी एप्टीट्यूड टेस्ट 30 जुलाई को, और मैंने अपने उस वीडियो में भी कहा था कि ये जुलाई महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा, जिसमें मैंने कहा था कि साइको टेस्ट के लिए लगभग 55 से 57 हजार लोगों ने, बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो शुरुआत हो चुकी है इलाहाबाद रेलवे जोन की, जिसमें आपने देखो लिखा हुआ है कि जंक्शन प्रयागराज रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी इलाहाबाद ने अपने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी यानी कि एनटीपीसी के लेवल 6 और 4 के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट की तिथि जारी कर दी है। ये तिथि है 30 जुलाई को, जिस पर कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CBET होना है। आरआरबी की वेबसाइट पर टेस्ट से संबंधित जितनी भी नोटिस है वो अपलोड कर दी गई है। टेस्ट में लगभग 3,754 बच्चे जो कि इलाहाबाद जोन में है, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट जो पोस्ट है ना उसके लिए वर्ग में CBET के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, ध्यान से सुनना आगे की जो बात है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग आज के दैनिक जागरण में इस नोटिस को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आगे की जो बात है उसको बहुत ध्यान से समझना। CBET के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्मेट में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब सर ये कौन सा प्रमाण पत्र होगा, तो ये भी लिखा है आगे, देखिए इसमें किसी नेत्र विशेषज्ञ से, आई स्पेशलिस्ट से प्रमाण पत्र आपको ही बनवाना होगा और देना होगा। बिना चश्मे के दोनों आंखों की जो दर्शिता है वो 6:9 होनी चाहिए। 6:6 नॉर्मल एक अच्छी आंखों का व्यू होता है, लेकिन बिना चश्मे के ये आपको 6:9 होनी चाहिए। मैंने उस वीडियो में भी आपको A2 मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बात बताई थी, जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है जाके प्लीज देखिएगा, उसके बाद ये चीजें आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगी। यह प्रमाण पत्र अगर नहीं है आपके पास तो आप CBET टेस्ट अर्थात उसमें साइको टेस्ट में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। तो शुरुआत हो चुकी है भैया 30 जुलाई को इलाहाबाद जोन, तारीख है 30 जुलाई और जोन है इलाहाबाद, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने बताया था कि जुलाई महीने के अंत तक इनका काम होने लगेगा, तो शुरुआत कर दी गई है। यहाँ पर आरआरबी के इलाहाबाद जोन के 3,754 विद्यार्थी अपना साइको टेस्ट देंगे 30 जुलाई को। इसी प्रकार से रेलवे की तमाम अपडेट के साथ मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा, और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अनुराग दीक्षित। और सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करूंगा अपने आखिरी शब्दों के साथ, वीडियो के जीवन के लिए, ठीक है, पाठशाला रेलवे एग्जाम में।